Hello guys, very good evening everyone. This is your host Vishal Chand and welcome to the India's largest platform, jiska naam hai. So guys, kaise hain aap sabhi? I hope all of you are good and doing well. Aap sabhi aur aapki is preparation ko banaye rakhne ke liye for the motor vehicle sub inspector examination aapke liye leke aaya hu like automobile engineer course this daily sham ko milte hain 5 baje aur deal karte hain hamare different of automobile engineer. Guys, agar main sabko acche se audible hu कर दीजिएगा और वीडियो का जो लाइक बटन है आप उसे क्लिक कर दीजिएगा. साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड लोग इस एग्जामिनेशन सभी के साथ आप हमारी इस वीडियो शेयर कर सकते हैं. एंड इफ समवन ऑफ यू वांट टू जॉइन द एकेडमी यू कैन यूज रेफरल कोड विशाल 11 ऑर्डर टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन योर. सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन. आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं. फॉलो करने के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्निंग चाहिए तो आप वो प्ले डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरी अनअकैडमी की फाइल है विशाल शर्मा, आप इसे फॉलो कर लीजिए. जैसे आप इसे फॉलो करोगे यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशन माय स्पेशल. साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपके अनअकैडमी के प्लस में एक क्रैश कोर्स चल रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का. तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन डेडिकेटेड होकर उनके लिए एक महीने का क्रैश कोर्स चल रहा है तो वो अनअकैडमी से जुड़े उस क्रैश कोर्स से आप प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा एक्सेलरेट कर. जैसे आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं यू विल गेट दिस बेनिफिट लाइक क्लास अनलिमिटेड एक्सेस ऑल कोर्सेज स्ट्रक्चर मैनर में आपको वहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड होंगे. साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडलाइन टेस्ट एनालिसिस और पर्सनल गाइडेंस जैसे बेनिफिट आपको वहाँ पर दें. कल आपकी ढेर सारी स्पेशल क्लासेस होने वाली है. द फर्स्ट स्पेशल क्लास इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM. ओके, द सेकेंड स्पेशल क्लास इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 PM एंड आफ्टर दैट इस यूट्यूब क्लास के बाद भी एक से दो अगर हम ले तो तीन से चार दो तीन से भी ले सकते हैं. नेक्स्ट स्पेशल क्लास हम 3 PM और कल आपकी यूट्यूब क्लास होगी तो इससे ये वाले नहीं लेंगे. 3 PM वाले आपका तैयार करना. नेक्स्ट स्पेशल क्लास अपने 7 PM लेंगे के बाद नेक्स्ट क्लास हम 9 PM से 10 PM पे ले लेंगे. ये तीन स्पेशल क्लास होने वाले हैं, चार स्पेशल. अगर आप इन चार स्पेशल क्लास में कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया है. अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासेस ज़्यादा हो रही है तो हम तीन स्पेशल क्लास भी कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेशल क्लास है वो 11 से हम कर लेते हैं 12:30, ठीक है. फिर हम एक घंटे का ब्रेक ले लेते हैं. उसके बाद जो हम स्पेशल क्लास लेंगे 3 से 6 बजे से 1:30 to 2 डेढ़ डेढ़ घंटे की तीन स्पेशल क्लास ले लेंगे आपके ऊपर भी लोड ना. तो उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल क्लास अपने ले लेंगे 7 PM to 8:30 PM, ठीक है. तो ये तीन स्पेशल क्लास अपने कर ले लेंगे. जो सुबह वाली स्पेशल क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है उसका हम रिवीजन करेंगे. तो आपके मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है. राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. साथ ही साथ 1:30 PM से 2:30 PM वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो हमारी राजस्थान इकोनॉमी है का रिवीजन करेंगे और शाम को हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन या फिर थ्योरी क्लास हम शाम को लेंगे. देखते हैं किस हिसाब से शेड्यूल देता है. मेरे हिसाब से 11 बजे वाली क्लास का शेड्यूल ऑलरेडी हो रखा है तो ऐसा करते हैं जो 11 बजे से 12 बजे 11 बजे से 12 बजे उसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक कल की क्लास ऑलरेडी शेड्यूल हो रखी है. तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहे हैं ठीक है. और इस वाली क्लास में अपने क्या कर लेंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और शाम वाली क्लास में अपने क्या कर लेंगे, शाम वाली क्लास में अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक क्वेश्चंस को डील कर.
है, इकोनॉमी छोड़ देंगे, इकोनॉमी बस। कल ये तीन स्पेशल क्लासेस आपकी होंगी, ये 1 PM से लेके 2 PM। ओके मनीष भाटिया एंड पीयूष गर्ग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था भाई लोगों अपना सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम में कल हमने सस्पेंशन सिस्टम को क्लासीफाई भी किया था, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम ने बात की थी। यहाँ पर आपको जो पीछे जो स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम नजर आ रहा है, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल के अंदर जानेंगे। कल हमने लीफ स्प्रिंग की भी बात की थी कि लीफ स्प्रिंग कहाँ यूज में ली जाती है, उसकी बड़ी वाली जो लीफ होती है उसे हम क्या कहते हैं, छोटी वाली लीफ होती है उसके हम क्या कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के प्रोवाइड कर दिए हैं, अब आपका ढूंढना, आपका काम है, अब किस तरीके से आपको ढूंढना है ना। आप एक एक को मैं पर्सनली कैसे सेंड करूँ पीयूष बाबू, ये क्लास होते ही इस क्लास का PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। स्टीयरिंग सिस्टम का और आपके सस्पेंशन सिस्टम का PDF एक कंबाइंड होके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए, सस्पेंशन सिस्टम की क्यों नीड थी, क्यों सस्पेंशन सिस्टम हमें यूज़ में लेना पड़ता है, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम जो शॉक्स और जो वाइब्रेशन होते हैं, थोड़ा क्विक रिविजन ले लेते हैं, उन्हें क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ में आपका ये जो लोड होता है व्हीकल का, वो व्हील तक ट्रांसमिट करता है, व्हील आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हों उनको, उनके जो झटके लगते हैं ना उनको सड़क वाले, और पैसेंजर्स तक पहुंचने से रोकता है, और आपकी बोर्ड गाड़ी है उसकी बॉडी को स्क्वैट करने से रोकने की कोशिश करता है। जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम जो कार्य करता है उसे बोलते हैं फंक्शन। वेरी गुड इवनिंग दिव्या, नरेंद्र, ठीक है पीयूष, मिल जाएगी आज। तो सस्पेंशन सिस्टम का काम होता है पैसेंजर को बहुत ही बढ़िया फील करवाना, गाड़ी के अंदर बैठ सेफ रखना, गाड़ी की स्टेबिलिटी को बनाए रखना, गाड़ी का रोड का जो है और जो गाड़ी का जो व्हील है उसके बीच में प्रॉपरली कॉन्टैक्ट बनाए रखना, स्टीयरिंग ज्योमेट्री बनाए, एक सूटेबल राइडिंग और कुशनिंग प्रॉपर्टीज देना, साथ ही साथ में बॉडी को रोल यानी घूमने से, उलटने से रोकना, और बॉडी को स्क्वैट उछल उछल के जो गाड़ी चलती है उसको कम करना। कल हमने ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, कल ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि स्प्रंग मास और अनस्प्रंग मास क्या होता है, वो मास जो गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम द्वारा सहन किया जाता है उसे हम स्प्रंग मास बोलते हैं। आपके व्हील और एक्सल का मास सस्पेंशन सिस्टम द्वारा सहन नहीं किया जाता है, बल्कि गाड़ी का मास सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा व्हील और एक्सल पर आता है, इसलिए उसे हम व्हील और एक्सल के मास को अनस्प्रंग मास कहते हैं। स्प्रंग मास और अनस्प्रंग मास में थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्प्रंग मास में ये जैसे आपका व्हील का मास आ गया है, ठीक है, व्हील के एक्सल का मास आ गया है, व्हील की बेयरिंग का मास आ गया है, व्हील के हब का आ गया है, टायर का आ गया है, और आपके ये जो ड्राइव शाफ्ट है, स्प्रिंग है, शॉक एब्जॉर्बर जो स्प्रिंग है, उनका कुछ पोर्शन आपका अनस्प्रंग मास में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर हमने सस्पेंशन सिस्टम को क्लासिफाई किया था कि स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन क्या क्या होता है, आपके लीफ स्प्रिंग होती है, टेपर्ड लीफ स्प्रिंग होती है, कोयल लीफ स्प्रिंग होती है, और आपका टोर्शन बार होता है। उसके बाद आज हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की भी चर्चा करेंगे, ये चारों पढ़ेंगे कि विश बोन क्या होता है, डबल विश बोन, मैकफर्सन जिसमें एक ही विश बोन होती है, वर्टिकल गाइड टाइप का कैसा होता है, ट्रेलिंग लिंक टाइप का कैसा होता है, स्विंगिंग हाफ एक्सल टाइप का कैसा आपका सस्पेंशन सिस्टम होता है। साथ ही साथ में लास्ट में जाते जाते हम शॉक एब्जॉर्बर की भी बातें करेंगे, और आज का टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होगा रबर स्प्रिंग से। रबर स्प्रिंग से बात करते हुए हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जाएंगे। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बाद हम आपके एंटी रोल बार, हाइड्रोलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम, एयर और न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम की भी हम चर्चा करेंगे, और लास्ट में हमारे शॉक एब्जॉर्बर की चर्चा करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलती है वो सारी की सारी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट के बीच में सिर्फ यही अंतर है कि जब आपका एक्सल का एक पहिया ऊपर होता है तो दूसरे पहिए पर कोई भी एंगुलर या फिर कोई भी लीनियर मोमेंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अदरवाइज अगर आपके किसी एक पहिए के मूवमेंट का इफेक्ट दूसरे पहिए पर अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पर जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, बेसिकली इट इज अ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। एक टायर के ऊपर और नीचे होने वाले मोशन का इफेक्ट दूसरे टायर पर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाता रहता है।
क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सस्पेंशन सिस्टम में? स्प्रिंग होती है जो कि क्या करती है, झटकों को एब्जॉर्ब करती है, जो स्ट्रेन एनर्जी आती है उसे एब्जॉर्ब करती है। डैम्पर्स क्या करते हैं, स्प्रिंग आराम से ओपन हो, वाइब्रेशंस बिल्कुल ना हो, ऑसिलेशन बिल्कुल ना हो, इसलिए वहां पर हम डैम्पर्स को यूज में लेते हैं। स्टेबलाइजर गाड़ी की स्वयं कपल को, गाड़ी को स्विंग होने से रोकता है, स्वयं कपल भी आपके गाड़ी में लगता है, और इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिस्टम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम और एक लीफ स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम नजर आ रहा होगा। ऊपर की तरफ इसमें एक्सल लगा होता है, यू बोल्ट लगे होते हैं, सबसे बड़े वाले स्प्रिंग को मास्टर स्प्रिंग बोलते हैं, शैकल पिन लगी होती है। ठीक है, एक तरीके के ये लिंक की तरह कार्य करती है आपके आई जॉइंट और आपके फ्रेम के मध्य, और ये विशबोन टाइप का कुछ है, ये जो हम बाद में चर्चा करेंगे, विशबोन डबल विशबोन क्या होता है। ठीक है, रीबाउंड क्लिप, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। आपके लीफ स्प्रिंग पर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? बेसिकली आपके लीफ स्प्रिंग पर गाड़ी का वेट वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क लगते हैं, साथ ही साथ उस पर टॉर्शनल, सॉरी टॉर्शन तो आएगा ही नहीं, पर बेंडिंग स्ट्रेसेस ही डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, साइड स्लोप एंड द लेटरल विंड। कल हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं ना, थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से देखते हुए चल रहे हैं। क्रोमियम स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज या फिर कार्बन स्टील का जो भी कंपोजिशन होता है वो हमने कल डिस्कस किया था। इसमें हमने देखा था कि जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो लगभग 0.45 से 0.55 के मध्य वेरी करता है। अगर आपका क्रोम वेनेडियम आपका स्टील है तो उसमें क्रोमियम का परसेंटेज 1.5 और वेनेडियम का परसेंटेज लेस देन 0.2%, 0.18% होगा। सिलिकॉन मैग्नीज में सिलिकॉन का परसेंटेज लगभग आपका क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और मैग्नीज का परसेंट लगभग आपका 1% हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स की मैराथन क्लास नेक्स्ट वीक में लगने वाली है। ठीक है, कार्बन स्टील में क्या रहेगा आपका, कार्बन रहेगा, मैग्नीज रहेगा और सिलिकॉन रहेगा। तो सबसे पहले हमने लीफ स्प्रिंग की बात की थी भैया, 18वीं शताब्दी में लीफ स्प्रिंग आ गई थी, इसे ओबादिया इलियट ने इन्वेंट किया था। लीफ स्प्रिंग को बैंड करके बनाया जाता है। ठीक है, कल नहीं है, कल आपका हम करने वाले हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस और सीबीएस करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप से बनती है, सबसे बड़ी स्ट्रिप को मास्टर स्ट्रिप कहते हैं, एक एंड आपका चेसिस फ्रेम से जुड़ा होता है, अदर एंड आपका शैकल स्प्रिंग से जुड़ा होता है, जो कि एक तरीके से लिंक की तरह कार्य करता है। जो लेंथ आपकी चेंज होती है, आपके लीफ स्प्रिंग की इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसको शैकल की हेल्प से कंपनसेटेड किया जाता है, और उसमें बुशेज वगैरह लगा दिए जाते हैं पर या फिर ब्रो। सबसे लॉन्गेस्ट लीफ को हम कहते हैं मास्टर लीफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ये आपकी इलिप्टिकल स्प्रिंग हो जाएगी, आपकी सेमी इलिप्टिकल टाइप की हो जाएगी, उसके बाद ये क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप की हो जाएगी, ये क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप की, फिर आपका ये थ्री क्वार्टर है, 1 2 3, हाँ ये नीचे तो हाफ है और ये आपका क्वार्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री क्वार्टर हो जाएगा, तो थ्री क्वार्टर टाइप की हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसवर्स टाइप की उल्टी लगी होती है, क्या लगी होती है, उल्टी लगी होती है। फिर हेल्पर स्प्रिंग भी हम बीच में कभी कभी यूज में ले सकते हैं, आपके गाड़ी का लोड क्या हो, ज्यादा हो, ब्रैकेट्स की जॉइंट कर देते, ये आपका शैकल पिन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए थे कि ए बी सी डी पर किस किस तरीके से आपके आई जॉइंट वगैरह बने हुए, मैं आपको ज्यादा घुसने। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक फ्लैट बार बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग ऑपरेशन, कटिंग करके, मशीनिंग करके, के बीच में उसमें होल किए जाते हैं, फिर हीटिंग प्रोसेस, उसको गर्म किया जाता है, मेटल उसकी फॉर्मिंग की जाती है, कि आई बनाई जाती है। ठीक है, के जो एंड्स होते हैं उनकी टेपर कटिंग की जाती है, फिर उसमें होल पंच, आई की ग्राइंडिंग, बेंडिंग वगैरह सब की जाती है। इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, स्प्रिंग की सरफेस की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए क्वेंचिंग ऑपरेशन किया जाता है, टफनेस इंक्रीज करने के लिए टेस्टिंग प्रोसेस किया जाता है, और उसके फटीक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन लिया जाता है। जो उसकी आई बनती है उसको प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पे रीमिंग वगैरह की जाती है, असेंबली करके पैक करके आपके घर पे भेज दी। कोयल स्प्रिंग की कल हमने चर्चा की थी, या कोयल स्प्रिंग एक तरीके की आपकी हेलिकल स्प्रिंग होती है, मशीन डिजाइन में आप पढ़ते हैं। कोयल स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कोयल्स है, कितना वायर का डायमीटर है और कितना उस कोयल का डायमीटर है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर देते हैं तो उस केस में स्प्रिंग की स्टिफनेस डबल हो जाती है ना, स्प्रिंग की स्टिफनेस डबल हो जाती है।
जितनी चौड़ी स्प्रिंग होगी, मतलब जितना उसका कॉइल का डायमीटर होगा, वायर का डायमीटर नहीं, कॉइल का जितना उसका डायमीटर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टिफनेस होगी, ठीक है। जितनी छोटी उसकी हाइट होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कम होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टिफनेस होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज द स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो मेनली जो आपका सस्पेंशन सिस्टम यूज में लिया जाता है, स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम, वो आपका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में यूज में लिया जाता है। एज कंपेयर टू द लीफ स्प्रिंग, आपकी जो कॉइल स्प्रिंग होती है इसमें ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। इज इट क्लियर? साथ ही साथ में आपके ये अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती, बिकॉज इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ये शीयर और बेंडिंग स्ट्रेसेस को सहन कर सकती है, लेकिन इसमें जब टॉर्क रिएक्शन आती है या फिर साइड थ्रस्ट आता है उसको ये तो सहन नहीं कर सकती। उसके लिए एक अलग से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर स्टिफनेस हमें इंक्रीज करनी हो तो साथ में हम उसमें हेल्पर स्प्रिंग यूज में लेते हैं। ये सारी चीज़ें अपने कल कर ली थी। स्प्रिंग रेट हमने डिस्कस कर लिया था। स्प्रिंग रेट क्या होता है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज योर स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग की स्टिफनेस ही आपका स्प्रिंग रेट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर किसी को याद हो तो, याद है क्या? मैंने क्वेश्चन दिया था स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लेकिन किसी भी महानुभाव ने कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, उसी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तभी अपने डिस्कस करेंगे। तो ये स्प्रिंग है, इसकी जो स्टिफनेस है ना वो वेरिएबल है, क्योंकि इस लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, इस लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, और यहाँ पे डायमीटर भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ये वेरिएबल रेट की स्प्रिंग्स कहलाती है, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, लोड के साथ क्या होता है, चेंज होता है। जब स्प्रिंग पर कोई भी लोड नहीं लगता उसे हम उसकी फ्री लेंथ बोलते हैं। उसके बाद जब उसको गाड़ी में या फिर उसके ऊपर लोड लगा देते हैं, उसके बाद जब वो कंप्रेस हो जाती है, उस लोड को हम क्या बोलते हैं, स्टेटिक लोड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग को माउंट करने के लिए आपका रबर कुशन और लोअर सीट उसमें प्रोवाइड की जाती है, और स्प्रिंग के ऊपर इपोक्सी की कोटिंग्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग के ऊपर जो भी स्क्रैचेस वगैरह आते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्प्रिंग बिल्कुल भी फेल ना हो। यहाँ तक कल का क्या था, कार्यक्रम था। अरे चैट में देने से नहीं होता बाबू, चैट कौन, चैट में तो मैंने भी देख लिया था, चैट में दे दिया था। अब हम बात करते हैं रबर स्प्रिंग, बिल्कुल रबर स्प्रिंग्स भी होती, किसी भी मटेरियल के कंपैरिजन में, हाँ डिवाइड कर, किसी भी मटेरियल के कंपैरिजन में जो आपका रबर स्प्रिंग होता है वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है फॉर गिवन वॉल्यूम, फॉर गिवन वॉल्यूम। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए 200 जूल को स्टोर करने के लिए आपने स्प्रिंग वाली बनाई, मेटल वाली स्प्रिंग बनाई, और वही आपने रबर की स्प्रिंग बनाई, तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम रबर ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए अगर आप किसी मेटल की स्प्रिंग बनाओगे और अगर आप किसी रबर की स्प्रिंग बनाओगे, तो दोनों में से रबर की स्प्रिंग का मास क्या होगा, कम हो जाएगा, कम मास वाली रबर वाली स्प्रिंग हम यूज में ले पाएंगे। अब अगर रबर की स्प्रिंग का मास कम हो जाएगा तो रबर की स्प्रिंग का साइज छोटा हो जाएगा, और एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल्स, रबर के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती वो बहुत ही बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया, और रबर में अचानक से फेलियर भी नहीं। आपकी मेटल वाली स्टील वाली अगर स्प्रिंग में फेल होगा तो कटक टूट जाएगी और क्या काम हो जाएगा, सत्यानाश। इसलिए अगर रबर वाली में फेल होगा तो क्रैक होगा, आपको नजर आएगा, सडन फेलियर नहीं होगा, धीरे 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 करके फेल होगा। सबसे पहले जो रबर स्प्रिंग बनाई गई थी वो एरिक माउंटल भाई साहब ने बनाई थी 1958 में। एक तरीके से आपको यहाँ पर रबर स्प्रिंग, रबर मटेरियल की होती है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये भी सस्पेंशन सिस्टम के लिए यूज में, सो दीज आर द रबर स्प्रिंग, यू आर यूजिंग रबर एज ए मटेरियल, तो ये आपकी रबर स्प्रिंग कहलाती है।
जब अनलोडेड होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, लोडेड होगी तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, पिचक जाएगी। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल वर्क वैसा ही करेगी। हमने वी आर गोइंग टू जस्ट चेंज द मटेरियल, हमने केवल और केवल मटेरियल को ही चेंज किया है और कुछ नहीं किया। आई बात समझ में? हमने केवल और केवल मटेरियल को चेंज कर दिया, बाकी फंक्शन तो इसका सेम ही रहेगा। और ये हल्की भी होती है, क्या होती है? हल्की भी होती है, तो गाड़ी का अनस्प्रंग मास कम हो जाता है वैसे भी, है ना? कोई डाउट है तो इसमें बताइए। मेरे पीछे आपको बेहतरीन बेहतरीन रबर स्प्रिंग्स नजर आ रही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो दीज आर द रबर स्प्रिंग्स। अगर आपको थोड़ा और, तो ये तो इसकी फ्री लेंथ, ठीक है? और जब हमने इस पे लोड लगा दिया तो इस तरीके से ये हो जाएगी, ये है आपकी रबर स्प्रिंग। थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव करके देखोगे आपको समझ में आएगा। नहीं, आज ये टॉपिक कंप्लीट होके लास्ट में इसके क्वेश्चन लगा देंगे। दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड टुडे। मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है भाई लोगों? रबर स्प्रिंग कहलाती है। अब ये रबर स्प्रिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है? ये आपकी कंप्रेशन स्प्रिंग भी हो सकती है, मतलब जो कंप्रेसिव लोड को लेगी। कंप्रेशन शीयर स्प्रिंग भी हो सकती है, मतलब जो कंप्रेशन और शीयर दोनों टाइप के लोड लेगी। स्टील रीइंफोर्स्ड स्प्रिंग भी हो सकती है, जिसमें हम क्या करेंगे, रबर मटेरियल के अंदर स्टील वायर्स को फिट कर देंगे, ठीक है? रबर वाले मटेरियल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टील वायर्स को फिट। तो ये नजर आ रही है आपको कंप्रेशन स्प्रिंग, जो कि कंप्रेसिव लोड को सहन करती है। ये आपको नजर आ रही है कंप्रेशन शीयर स्प्रिंग, जो कंप्रेसिव और शीयर लोड दोनों को सहन करती है। और स्टील रीइंफोर्स्ड स्प्रिंग में क्या होता है, इसमें आपके स्टील की हेलिकल स्प्रिंग रबड़ की बॉडी के अंदर माउंट कर दी जाती है, जिससे कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आपकी आ जाती है। सही बात है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉर्शन बार। नाम इसका क्या है? टॉर्शन। नाम ही क्या है इसका? टॉर्शन। तो मतलब सहन किसको करेगा ये? ये ट्विस्टिंग मूवमेंट को सहन करेगा। अरे यार देख ही नहीं रहे वीडियो, किसको सहन करेगा ये? ट्विस्टिंग मूवमेंट को सहन करेगा। बेसिकली होती क्या ये, एक तरीके की बार होती है, एक तरीके की शाफ्ट होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर भी हो सकता है और इसका क्रॉस सेक्शन आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है? ये आपकी ये नजर आ रही है, ये आपकी टोर्शन बार। अब इस टोर्शन बार का रोल क्या होता है, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ टोर्शन बार? ये भी एक तरीके से सस्पेंशन सिस्टम के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है? तो दिस इज द स्ट्रेट बार ऑफ ए सर्कुलर और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन फिटेड टू द फ्रेम एट द वन एंड, और इसका जो लीवर होता है वो विशबोन शेप्ड मेंबर से कनेक्ट हो जाता है एट द अदर एंड ऑफ द व्हील। टॉर्शन बार सस्पेंशन सिस्टम इज यूज्ड इन अ कार, जो कि आपको इस फिगर में नजर आ गया है, ठीक है? ट्विस्टिंग मूवमेंट्स को सहन करने के लिए यूज में लिया जाता है। प्रोविजन फॉर द एडजस्टमेंट इज मेड एट द फ्रेम एंड टू द लेवल ऑफ द सस्पेंशन। सिंस कॉइल स्प्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द टॉर्शन बार, अब कॉइल स्प्रिंग आपकी टॉर्शन बार की फॉर्म में है। द रेट ऑफ बूथ स्प्रिंग डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द डायमीटर, तो इसका जो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होगा वो उसकी लेंथ और डायमीटर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपका मटेरियल सॉफ्ट होता है तो उसकी जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर उसकी लेंथ और उसके लेंथ को इंक्रीज कर दे और डायमीटर को हम क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। ये है आपका डबल विशबोन वाला, डबल विशबोन पे हम बाद में आएंगे। डबल विशबोन के जो नीचे की तरफ सस्पेंशन आर्म लगी है, इस आर्म के साथ टॉर्शन बार का एक एंड कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो आपका चेसिस होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। एंड दिस में बी आज इन योर एग्जामिनेशन
कि टोर्शन बार के जो एंड होते हैं वो किसके किसके साथ आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको टोर्शन बार नजर आ, टोर्शन बार। अब अगर हम टोर्शन बार यूज में लेते हैं एज ए सस्पेंशन सिस्टम, तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं? इसका वेट कम होता है, कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ही कम होती है, सस्ती होती है, और राइड कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जिस तरीके से स्प्रिंग आपका एक्सीलेशन और ब्रेकिंग टॉर्क सहन करती है, यहाँ पर एक्सीलेशन और ब्रेकिंग टॉर्क को सहन करने के लिए टॉर्शन बार के साथ साथ एडिशनल कुछ इक्विपमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो डैम्पिंग होती है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी, वो भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम में। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम में बेसिकली होता क्या है? एयर सस्पेंशन सिस्टम में बेसिकली एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज में लेते हैं, जो कि क्या करता है? वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो मान लीजिए आगे वाले जो पहिया है वो ऊपर उठा, तो यहाँ से हवा इसके अंदर आएगी, फिर रियर वाले पहियों पर पहुंच जाएगी, रियर वाला पहिया ऊपर उठा तो वहां से हवा इधर आगे की तरफ आ जाएगी। बेसिकली इसमें क्या होता है? एयर का सर्कुलेशन होता है, और एयर का सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि कौन से पहिए पर सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट आई थी। तो कि अगर किसी पहिए पे सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस पहिए से एयर का फ्लो उस जर्क को या फिर उस शॉक को या फिर उस लोड को लेके दूसरे वाले डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इसमें आपके एयर यूज में ली जाती है, और इसमें ये रबड़ के आपको नजर आ रहे होंगे, बल्ब नजर आ रहे होंगे, जो कि एयर के आने पर ऐसे पुचकते हैं, ठीक है, कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं। ये बड़े आगे क्यों? ये रहा रबर वाला एयर सस्पेंशन सिस्टम, जो कि लोड्स को एब्जॉर्ब करता है। इसमें ये क्या होता है? हर जगह आपका शॉक एब्जॉर्बर तो लगा ही होता है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। स्प्रिंग की जगह एयर सस्पेंशन सिस्टम हमने यूज में, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर। कहाँ यूज में लिया जाता है एयर सस्पेंशन सिस्टम? आपका जो ट्रेन होता है वहां पे भी, आप जहाँ भी हैवी लोड होगा वहां पे एयर सस्पेंशन सिस्टम आप यूज में ले सकते हो। जैसे ट्रेन में हैवी लोड होता है, ऑटोमोबाइल में सर कैसे है? फिर ऑटोमोबाइल में ट्रक्स में हैवी लोड होता है, जो बड़ी बड़ी बसेस होती है उनके अंदर हैवी लोड होता है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? वहां पे एयर सस्पेंशन सिस्टम यूज में ले सकते हैं, जहां पर कन्वेंशनली स्प्रिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। मतलब स्प्रिंग सिस्टम को हटा के आप कंप्रेस्ड एयर का यूज कर सकते हैं एज ए सस्पेंशन सिस्टम। अब अगर हम एयर का एज ए सस्पेंशन सिस्टम यूज में लेंगे, तो उस केस में क्या होगा? मतलब सस्पेंशन सिस्टम का रोल क्या है? आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आपको आनंद आए चलाने में, सड़क के झटके वगैरह बिल्कुल भी आपको फील ना हो, एक स्मूथ राइड मिले, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एयर सस्पेंशन सिस्टम को हमने यूज में लिया स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम की जगह। ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एयर सस्पेंशन सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया था, एयर के जो कंप्रेस्ड एयर होगी वो रबर वाले स्प्रिंग के अंदर होगी। उन स्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं? उन स्प्रिंग को हम कहते हैं एयर स्प्रिंग। क्या कहते हैं? एयर स्प्रिंग कहते हैं। आपने मैकेनिकल प्रेशर गेज देखे होंगे, पिलो प्रेशर गेज, डायफ्राम वाले प्रेशर गेज, तो वो बिलो टाइप्स के ही होते हैं। बिलो टाइप्स के कैसे समझाऊं मैं आपको? जो पुरानी बाइक्स आती थी ना, हीरोंडा वाली, उसमें आगे शॉकर लगे होते थे, उसके ऊपर रबर लगा होता था, क्रिस क्रॉस में, मतलब हैचिंग जैसे, में भी बना के बता,
ऐसे रबड़ लगा होता था। आगे शॉक एब्जॉर्बर होता था ना, शॉकर, कई साइकिल्स में भी लगाता है ये। इसे हम कहते हैं बिलोज, इसे इसे हम कहते हैं बिलोज। तो अगर हम इसमें एयर डाल देंगे, इट विल बी नोन एज एयर बिलोज। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बिलोज का यूज किया जाता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एयर स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर स्प्रिंग कहते हैं। अब जो आपका एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसमें किस किस टाइप से फेलियर हो सकता है? आपका जो एयर ब्रेक है या फिर जो आपकी एयर स्प्रिंग है वो फट गई हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फेलियर आ गया हो, अंदर से फेलियर आ गया हो, पुरानी हो गई हो, एयरलाइन जो भी आपके सर्किट्स हैं एयर के, वहाँ कोई लीकेज होने लग गया हो, ठीक है, वहाँ से भी आपका फेलियर हो सकता है। कंप्रेसर जो आप यूज़ में ले रहे हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, वो ढंग से काम नहीं कर रहा हो, उसके पास प्रॉपर सिग्नल ना पहुँच रहा हो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के द्वारा कि आपको कितना प्रेशर इंक्रीज करना है, कितना प्रेशर रिलीज करना है। आपका जो ड्रायर है जो मॉइस्चर्स को रिमूव करता है एयर के अंदर से, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर आपके कंप्रेशर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, और जब कंप्रेशर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो कंप्रेशर उस मॉइस्चर को हैंडल नहीं कर पाएगा, कंप्रेशर के वॉल्स खराब हो जाएंगे। तो अगर आपका ड्रायर फेलियर हो गया तो इनडायरेक्टली आपका कंप्रेशर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, कि आपके जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के आपके होते हैं। क्लियर? बोलो जी। हाँ एयर सस्पेंशन सिस्टम के यूज करने से क्या एडवांटेज हो सकता है, कोई बता सकता है? एयर सस्पेंशन सिस्टम अगर आप यूज में लेते हो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? अगर आप एयर सस्पेंशन सिस्टम यूज में लेते तो जो गाड़ी के बाउंस होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये गाड़ी के वाइब्रेशंस को कांस्टेंट मेंटेन करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन कम होते हैं, आपको ज़्यादा फील नहीं होता। आपके गाड़ी का जो फ्रेम होता है ना, जमीन से उसकी हाइट को भी क्या करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है। साथ ही साथ में जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपके एयर सस्पेंशन सिस्टम में होगा, उतनी ही ज़्यादा एयर की जो स्टिफनेस है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ से बात करने वाले इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम वो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं जिसमें एक टायर का सस्पेंशन सिस्टम का रिलेशन दूसरे टायर से बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी वाइब्रेशन जर्क आते हैं उसका इफेक्ट दूसरे वाले व्हील पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये वाले सस्पेंशन सिस्टम आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो सस्पेंशन सिस्टम वो आपका है डबल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम। डबल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम क्योंकि उसमें डबल विशबोन यूज में ली गई। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि एक स्प्रिंग पर फोकस कीजिए, आपको वहां पे डबल विशबोन नजर आ रहा होगा। स्प्रिंग के राइट हैंड साइड में देखिए, ऊपर और नीचे, स्प्रिंग के राइट हैंड साइड में देखिए, ऊपर और नीचे। स्प्रिंग के यहाँ देखो नजर आ रहा है क्या? यहाँ ये जो स्प्रिंग है ना, के ऊपर और नीचे, स्प्रिंग के ऊपर नीचे नहीं, स्प्रिंग के साइड में ऊपर नीचे देखो। स्प्रिंग के जब साइड में आप ऊपर नीचे देखोगे तब आपको डबल विशबोन नजर आएगी। ऐसा कुछ, ये आपका स्प्रिंग है, ये ऊपर की एक विशबोन है, ये नीचे की एक विशबोन है, इसे हम कहते हैं डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। सबसे कॉमन सस्पेंशन सिस्टम है ये, सबसे ज़्यादा यही आपके गाड़ियों में किया जाता है।
इसमें कोयल स्प्रिंग के साथ एक आपका डैम्पर यूज में लिया जाता है, जो कि वाइब्रेशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसमें एक अपर आर्म होती है, उसे हम बोलते हैं अपर विशबोन आर्म। एक होती है लोअर आर्म, उसे हम बोलते हैं लोअर विशबोन आर्म। तो आपकी जो स्प्रिंग होती है वो इन्हीं दो विशबोन आर्म्स के बीच में लगी हुई होती है, और व्हीकल का जो वेट होता है वो आपके, इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बॉडी एंड द क्रॉस मेंबर टू द कॉइल स्प्रिंग थ्रू द विच इट गोज टू द लोअर विशबोन आर्म। ऊपर से लेके स्प्रिंग के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ आपका जो गाड़ी का जो लोड होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डबल विशबोन सिस्टम। नजर आ रहा है, ये देखो एक तो विशबोन ये रही, एक विशबोन ये वाली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। गाड़ी में बम्पर आएगा, अभी देखो गाड़ी ऊपर, पहिया ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपकी स्प्रिंग भी अंदर कंप्रेस हो रही है और डैम्पर आपका वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है भाई? घूम रहे हैं सबके पहिए, यहाँ कौन घूम रहा है? तो दिख रहा है क्या यहाँ पे घूम रहता है? मैक पर्सन स्ट्रट टाइप, ये बिल्कुल डबल विशबोन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक ही विशबोन होती है, लोअर विशबोन। नीचे वाला विशबोन होता है, ऊपर वाला विशबोन। तो एक स्ट्रट होती है इसमें, जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर और कॉइल स्प्रिंग होती है, जो कि आपके सब एक्सल पर व्हील को माउंट कर देती है। एक है आपका मैक पर्सन और ये है आपका डबल विशबोन। तो स्टब एक्सल पर आपका स्प्रिंग और डैम्पर माउंटेड हो चुका है, इसमें केवल और केवल लोअर विशबोन है, विशबोन है, अपर विशबोन नहीं है। क्लियर दिख रहा है क्या? डबल विशबोन में तो ऊपर नीचे है, और मैक पर्सन में केवल नीचे की तरफ विशबोन है, ऊपर की तरफ है, इसलिए उसका नाम हमने मैक पर्सन स्ट्रट कर दिया। क्या कर दिया? मैक पर्सन स्ट्रट कर दिया। इसमें हमने एक लिंक की हेल्प से स्प्रिंग और डैम्पर को सीधा हमने क्या कर रखा है, हमने सब एक्सल से जॉइंट कर रखा है। तो ए स्ट्रट कंटेनिंग शॉक एब्जॉर्बर इन द कॉइल स्प्रिंग आल्सो कैरीज द स्टब एक्सल ऑन विच द व्हील इज माउंटेड। क्लियर? फिर आता है आपका वर्टिकल गाइड सस्पेंशन सिस्टम। इसमें जो वर्टिकल गाइड का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, किंग पिन का यूज करते हैं। जो आपके किंग पिन होती है वो आपके फ्रेम के क्रॉस मेंबर से डायरेक्टली अटैच कर दी जाती है, और ये आपकी किंग पिन आराम से इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे होती रहती है, और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम में आपका जो व्हील का जो ट्रैक होता है, व्हील का जो बेस होता है, और व्हील का जो एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम में व्हील का ट्रैक, व्हील का बेस, व्हील का एल्टीट्यूड चेंज नहीं होता है, वो हो जाएगा आपका वर्टिकल गाइड सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें किंग पिन का यूज किया जाता है, और वो स्लाइड अप डाउन हो सकती है, और उसको उस मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग लगा सकते हैं। तो ये रहा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, वर्टिकल बार। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है आपका स्विंग आर्म सस्पेंशन सिस्टम। स्विंग आर्म सस्पेंशन सिस्टम में क्या होगा, एक स्विंग आर्म होगी, क्या होगी, एक स्विंग आर्म होगी। लेकिन दिक्कत क्या है इस सस्पेंशन सिस्टम, पहले तो इसके मेन डिसएडवांटेज की बात। स्विंग आर्म सस्पेंशन सिस्टम में जब भी आपकी आर्म स्विंग होती है, उसके कारण जो कैम्बर एंगल होता है फ्रंट से देखने पर जो देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं, इस तरीके से आपका स्विंग आर्म आपको नजर आ रहा है, और देख लीजिए यहाँ पे कैम्बर एंगल वेरी हो रहा है फ्रंट से देखने वाला। अगर कोई भी पत्थर या फिर कोई भी गड्ढा आएगा तो पहिए का कैम्बर एंगल चेंज हो जाएगा, ये इसका मेन डिसएडवांटेज होता है। हाइट ऑफ प्लान व्यू और रियर व्यू। प्लान व्यू मतलब ऊपर से देखने पर, रियर व्यू मतलब पीछे से देखने पे। क्लियर है?
तो दोनों जो भी आपके व्हील होते हैं, दोनों व्हील और जो आपके एक्सल होते हैं वो स्विंग करते हैं। स्विंग करते हैं मतलब, मान लीजिए ऐसे है, ये पहिया है और ये बीच में एक्सल है, ठीक है। तो एक बार भूल जाओ, ये वाला पहिया ऐसे इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और ये वाला पहिया इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे होगा, इसे हम बोलते हैं स्विंग आर्म, ऐसे स्विंग करती है आर्म, सही है। टेम्बर एंगल चेंज हो जाता है, फिर आता है आपका ट्रेलिंग आर्म। ट्रेल मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। तो ट्रेल आर्म या फिर जो आपका ट्रेल लिंक सस्पेंशन सिस्टम होता है, जनरली हम इसे कभी कभी क्या बोल देते हैं, ट्रेलिंग लिंक भी कहते, ठीक है। और जनरली आपके जो व्हीकल होता है उसके रियर साइड में यूज में, ये आपका ट्रेलिंग आर्म है ना। एक तो है डबल ए आर्म, एक है रियर ट्रेलिंग आर्म। डबल ए आर्म, फिर एक तरफ आपको दे रखा है रियर ट्रेलिंग आर्म। डायग्राम से क्लियर हो गया, रियर जो आपका एक्सल होगा रियर साइड में, वहां पर ये सस्पेंशन सिस्टम यूज, ठीक है। ये है ट्रेलिंग आर्म, और इस ट्रेलिंग आर्म पर हमने क्या कर रखा है, एक जोड़ रखा है। ठीक है, चलिए। ब्रेकिंग सिस्टम का कोड है विशाल 11। कैपिटल लेटर्स में विशाल 11, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे है अभी, फिर थोड़ी देर बाद ये काइंड वाला, ठीक है। ठीक बिल्कुल प्रतीक जी, बस पर भी चल रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब है आपका मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम, और ये एक तरीके का इंडिपेंडेंटली सस्पेंशन सिस्टम है, जिसमें आपके बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ आर्म होती है, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, लिटिल आर्म और लॉन्गिट्यूडनल आर्म्स होती है। दे डोंट हैव बी ऑफ द इक्वल लेंथ, जरूर नहीं है उन सभी का आपस में इक्वल हो। ओके, टिपिकली ईच आर्म हैज द स्पेरिकल जॉइंट और रबर बुशिंग एट द ईच एंड, एंड दे रिएक्ट ऑन द लोड अलोंग देयर ऑन लेंथ इन द टेंशन एंड कंप्रेशन बट नॉट इन बेंडिंग। मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम में जो भी लिंक्स होते हैं उनमें केवल और केवल टेंशन और कंप्रेशन आता है, उनमें कभी भी बेंडिंग भाई को नहीं आता। तो यहाँ पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन में लिया जाता है, जो लिया जाता है उसको दिखा रखा है, इसमें जो नंबर ऑफ लिंक होते हैं वो मोर देन 3 होते हैं, सभी की लेंथ सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो भी उसमें लोड आएगा वो उसको टेंशन और कंप्रेशन में कर लेगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आपके वायर व्हील में केवल और केवल टेंशन रहता है, ठीक उसी तरीके से इस वाले सस्पेंशन सिस्टम में क्या होगा, इस वाले सस्पेंशन सिस्टम में आपके जो लिंक होंगे उनमें केवल टेंशन और कंप्रेशन आए। उत्कर्ष, आपने प्लस ले रखा है क्या? ये बहुत सारे इसमें लिंक दे रखे हैं, और इसमें कुछ ये आपका एंटी रोल बार, स्टेबलाइजर बार और स्विंग बार। क्या रोल होता है इसका भाई लोगों, थोड़ा सा जूम इन करते हैं भैया, इसका रोल क्या होता है? इसका नाम ही है एंटी रोल, जो कि रोलिंग होने से रोकेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ो फिर, क्या दिक्कत है, दोनों देखो फिर डिफरेंस पता चलेगा ना। यहाँ पढ़ लीजिए, एंटी रोल बार मतलब ऐसी बार जो कि गाड़ी को रोल होने से रोकती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है, इधर बम्प बम्प आ गया, गाड़ी इधर से ऊपर उठेगी, ऐसे रोल ना हो जाए, ऐसे रोल ना हो जाए, इसलिए हम एंटी रोल बार का यूज करते
करते हैं, एंटी स्वे बाल का यूज करते हैं, जो कि क्या करती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग कपल लगाती है, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है वो रोल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटी रोल बार आपको दिखा रखी है। जब भी कोई सड़क के ऊपर ऐसा बर्फ आएगा, कोई हम्प आएगा, एक पहिया ऊपर उठेगा, एक पहिया ऊपर उठेगा तो ये गाड़ी ऐसे उलट के उधर ना चली जाए। ठीक जी, SSC JEE और स्टेट ए कैटेगरी। ठीक है, तो गाड़ी आपकी उलट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी रोल बार यूज करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एंटी रोल बार, ये नजर आ रहा है। देखो, मान लीजिए थोड़ी सी स्लोप पर आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी तिरछी है ना, तो बॉडी इस डायरेक्शन में लीन करने की कोशिश करेगी, इस टायर के ऊपर लोड आएगा इधर। जब इस टायर के इस इधर लोड आएगा, वो क्या करेगा, इस लोड को इधर ट्रांसफर कर देगा, ताकि जो बॉडी इधर लीन हो रही थी ना, अब हमने इस टायर पर लोड इंक्रीज कर दिया, तो अब बॉडी इस डायरेक्शन में लीन नहीं हो पाएगी, रोल नहीं हो पाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। क्या फंक्शन है, देखिए, व्हेन ए व्हील इज पास ओवर बम्प, वन रोड व्हील में डिफ्लेक्ट मोर देन द अदर व्हील, तो उस केस में आपके गाड़ी के रोल होने की टेंडेंसी होती है। तो टू रिड्यूस दिस टेंडेंसी, ए स्टेबलाइजर एंटी रोलिंग बार या फिर एंटी स्विंग बार एज ए टॉर्शन बार के रूप में आपके लगा दी जाती है। ठीक है, ये जो आपका स्टेबलाइजर का जो एंड्स होता है, ये आपके रियर लीफ स्प्रिंग से आपके कनेक्टेड होता है, जो कि आपके फ्रेम से क्या होती है, फिक्स। इस अरेंजमेंट से क्या होगा, इस अरेंजमेंट से जो पहिया ऊपर की ओर उठा है बिकॉज ऑफ द रोड बम्प, वहां पे क्या आ जाएगा आपका, वहां पे एडिशनल लोड आ जाएगा, जिसके कारण आपका व्हील ऐसे घूम नहीं पाएगा, सीधा सीधा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम। हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम में प्रत्येक पहिए पे, चारों के चारों पहिए पर आपके डिफरेंट क्या लगे होते हैं, डिस्प्रेसर यूनिट्स लगे, जिसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है। क्लियर है? और वो जो आपके डिस्प्लेसर होते हैं, वो एज ए रबर के मटेरियल के बने होते हैं, जिनको हम एज ए स्प्रिंग की तरह यूज में ले सकते हैं, और उस डिस्प्लेसर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम एज ए डैम्पर की तरह यूज में ले सकते हैं। हाँ, वही वही वही, गाड़ी जब हाई स्पीड पर चलाते हो, एक तरफ से अगर मान लो पहिया अचानक से ऊपर उठा, तो गाड़ी ऐसे लुढ़क के भग जाती है ना, उसको कम करने के लिए एंटी रोलिंग बार यूज में ली जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, ये आपका पिस्टन है, जो रबड़ होता है वो एक तरीके से स्प्रिंग की तरह कार्य करता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, वो आपके एज ए डैम्पर की तरह कार्य करता है, वो शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम। क्लियर? और दिस सिस्टम इज प्रेशराइज विद एन एंटी फ्रीज लिक्विड आफ्टर रिमूविंग द एयर, पूरी एयर को निकाल के हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज एलिमेंट उसके अंदर डाल देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉक एब्जॉर्बर। अगर आप देखे होंगे कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, कोई आपने स्प्रिंग यूज में ली, कॉइल स्प्रिंग, जब आप उसको छोड़ोगे अचानक से खुलेगी, अचानक से खुलेगी, मान लो रोड पे हम पाया, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अचानक से खुलेगी, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर यूज में, विशाल 11। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर एज ए डैम्पर की तरह यूज में लिया जाता है, जो कि वाइब्रेशंस को क्या कर देता है, कम कर देता है ना। ना सही है? देखो, ये ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे खुल रहा है ना, अब क्या होगा, अब ये ऐसे खुलेगा धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड से। और अगर आपको उसको फील भी करना हो, तो आप क्या करना, जिस बाइक पर आप बैठते हो ना, उसको तो ऐसे दबाना, आगे से दबाओगे जब, तो वो स्प्रिंग दब जाएगी,
लेकिन उसके बाद जैसे ही आप लोड हटाओगे, वो आगे वाला जो व्हील होगा वो धीरे 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 खुलेगा, क्योंकि उसके अंदर डैम्पर फिट होता है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। तो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, उसके वाइब्रेशंस को कम कर देता है, और स्प्रिंग के अंदर एक तरीके से वो डैम्पर की तरह यूज में लिया जाता है, ताकि अचानक से आपकी गाड़ी बाउंस बिल्कुल भी ना। कैसे फील कर सकते हैं, आपको एक मास लेना, उसके ऊपर स्प्रिंग लगाना, उसको हवा में ऐसे ऐसे हिलाना, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी पर सेकेंड टाइम में जो आपका वाइब्रेशंस आपको फील होगा वो ज्यादा होगा। उसी स्प्रिंग और मास को आप पानी में लेके जाना और अंदर उसके हिलाना, उसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम कम होंगे। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को पर यूनिट टाइम में कम करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर को हम लगा देते हैं। तो द मेजर पर्पस ऑफ एनी शॉक स्ट्रट इज टू कंट्रोल राइड एंड हैंडलिंग। स्टैंडर्ड शॉक एब्जॉर्बर डू नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल के वेट को केवल स्प्रिंग ही सपोर्ट करता है। द स्प्रिंग सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल। द शॉक एब्जॉर्बर कंट्रोल द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द स्प्रिंग। शॉक एब्जॉर्बर आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैम्पर। ये क्या कहलाते हैं, आपके डैम्पर भी कहलाते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को दबा दिया। जब हम स्प्रिंग को दबा देंगे, कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द लोड। उसके बाद आपकी स्प्रिंग वापस खुलती है, और ये जब स्प्रिंग वापस खुलती है ना, ये धीरे 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 धीरे, यही आपका शॉक एब्जॉर्बर का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो एज द व्हील रोल ओवर ए बम्प, द व्हील मूव्स टुवर्ड्स द बॉडी एंड कंप्रेस द स्प्रिंग ऑफ द व्हीकल। जैसे ही बम्प आता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। एज द स्प्रिंग कंप्रेस स्टोर्स एनर्जी, एक स्ट्रेन एनर्जी को वो स्टोर कर देती। ठीक है, द स्प्रिंग देन रिलीज इट्स स्टोर्ड एनर्जी, कॉजिंग द बॉडी ऑफ द व्हील टू द रिबाउंड। और उसके बाद जैसे ही वो बम्प निकलता है, स्प्रिंग अपनी स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज कर देता है, जो भी उसके अंदर स्टोर होती है, और व्हीकल आपका क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। इसलिए हम वहां पर क्या करते हैं, एक शॉक एब्जॉर्बर यूज में लेते हैं, जिसके अंदर आपका एक्सटेंशन और कंप्रेशन साइकिल, दो साइकिल होते हैं। जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस होता है, जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस होता है, तो उस केस में क्या होता है, जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये जो नीचे वाला जो फ्लूइड है, ये नीचे वाला फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, इन छेदों से होते हुए, होल्स के थ्रू होते हुए नीचे वाला जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फ्लूइड इन द सिलेंडर पास अपवर्ड थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड वॉल ऑफ द पिस्टन। पिस्टन के रिस्ट्रिक्टेड वॉल्स के थ्रू ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर। एट द सेम टाइम फ्लूइड पासेस डाउन थ्रू ए स्मॉल वॉल ऑफ द सिलेंडर ट्यूब। अब ये ठीक इसी सेम टाइम में, यहाँ जो नीचे वॉल लगे हैं, वहां से फ्लूइड क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ अगर ज्यादा बढ़ता है ट्यूब के थ्रू, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द पिस्टन इज एबल टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ फ्लूइड का रेजिस्टेंस होगा, उसके अगेंस्ट आपका ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर पाए। आफ्टर दैट व्हेन शॉक एब्जॉर्बर इज अंडर टेंशन, जब वो रिलीज हो जाता है, तो लिक्विड होता है जो टॉप पोर्शन का, जब लोड हट जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर वाला ये जो फ्लूइड है ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब ये ऊपर वाला फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे आने में समय लगेगा, इसको नीचे आने में समय लगेगा। क्लियर है। तो एट द सेम टाइम फ्लूइड एंटर्स थ्रू द वॉल एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ट्यूब। The lengthening of the shock absorber is thus made very slow since it had to overcome the resistance of the fluid. इसको फ्लूड का रेजिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। इसलिए जब ये खुलता है तो धीरे धीरे खुलता है, बंद होता है तो बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। क्लियर है। तो इससे आपका शॉक क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में, तो आपका जो एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, कोई भी सस्पेंशन सिस्टम एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम कब कहलाएगा, जब सड़क पर कोई भी अगर बम्प आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपके गाड़ी के अंदर तक पहुंचने से उसको रोक दे। गाड़ी की जो रोलिंग होती है, जब गाड़ी कॉर्नरिंग करती है, जब गाड़ी टर्न करती है, उसको क्या करे, कम से कम करे, गाड़ी की हाइट को मेंटेन कर रखे, ताकि नीचे वाला जो चेसिस का पोर्शन है वो रोड के साथ बिल्कुल भी टच में ना हो, ग्राउंड क्लियरेंस बनाए रखे, गाड़ी उछल उछल के ना चले, बढ़िया ग्रिप के साथ चले। ये आपके एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम का क्या होता है, फंक्शन होता है। अंदर जो सवारी बैठी है, बाहर की सड़क चाहे कैसे भी हो, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
छोटी मोटी रोड की कैसे भी इररेगुलर क्यों ना हो। सस्पेंशन सिस्टम के साथ जो जो सेंसर फिट किए जा सकते हैं, क्या क्या सेंसर फिट किए जा सकते हैं, जो गाड़ी की जो हाइट है उसका भी सस्पेंशन सिस्टम के साथ सेंसर फिट किया जा सकता है, किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील का, एक्सीलेशन का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सीलेशन, लेटरल एक्सीलेशन, कितना ब्रेक का प्रेशर लगा रहे हो, कितना ब्रेक के पेडल पर प्रेशर है, कितना ब्रेक फ्लूड का प्रेशर है, कितना उस पेडल का एक्सीलेशन है, कितना जल्दी आप उस एक्सीलेशन पेडल को दबाते हो, क्या लोड लगाते हो, गाड़ी की स्पीड क्या है, किस तरीके का मोड है आपका, बहुत सारे आपके सेंसर लगा सकते हो आप अपने सस्पेंशन सिस्टम में, ताकि आपका सस्पेंशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। तो आपके एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक एक्चुएटेड सस्पेंशन सिस्टम भी आ सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकुपरेटिव टाइप भी सस्पेंशन सिस्टम आ सकता है। सेमी एक्टिव को हम एडेप्टिव सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें भी आपके डिफरेंट सेंसर्स लगा के आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन सिस्टम, हाइड्रो गैस सस्पेंशन सिस्टम और सेमी एक्टिव हाइड्रो गैस सस्पेंशन सिस्टम आप इसमें ले सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब मुझे बताइए इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, आप करें तो लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक बाय, आपकी जो लीफ स्प्रिंग होती है वो जो झटके वगैरह होती है उनको किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है, ये आपको बताना है। हाइड हो गया था क्या? लीफ स्प्रिंग जो भी शॉक एब्जॉर्ब करती है, लीफ स्प्रिंग पे जो भी शॉक्स आते हैं उनको वो बेंडिंग के रूप में एब्जॉर्ब करती है, के रूप में, बेंडिंग के रूप में एब्जॉर्ब करती है। कॉइल स्प्रिंग जो शॉक एब्जॉर्ब करती है वो किस रूप में करती है, ये आपको बताना है। कॉइल स्प्रिंग में जो भी शॉक्स वगैरह आते हैं वो किस रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, कॉइल स्प्रिंग पे कैसा लोड आता है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है कॉइल स्प्रिंग। जब लीफ स्प्रिंग पे लोड आता है भैया, लीफ स्प्रिंग पे शॉक आता है तो लीफ स्प्रिंग ऐसे हो जाती है, इस पॉइंट के बाद यहाँ बेंडिंग, यहाँ बेंडिंग होती है। कॉइल स्प्रिंग पर जब शॉक आता है तो कॉइल स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है बाबू, कॉइल स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो आंसर क्या रहेगा बाबू, कंप्रेशन। कंप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग से टाइप ऑफ द लीफ स्प्रिंग, कौन कौन सा लीफ स्प्रिंग हो सकता है, थ्री क्वार्टर, सेमी क्वार्टर, क्वार्टर, आज ही डिस्कस किया था रिवीजन करते वक्त, थ्री क्वार्टर, सेमी क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर। अरे नहीं, ट्विस्टिंग में कहां करेगी, जब लोड आएगा आपके, अगर हम बात करते हैं कॉइल स्प्रिंग पे, वो दब नहीं जाएगी क्या, लोड आएगा तो वो दब नहीं जाएगी क्या, कंप्रेशन हो जाएगा ना। तो तीनों टाइप की आपकी लीफ स्प्रिंग हो सकती है, थ्री क्वार्टर भी हो सकती है, सेमी इलिप्टिक भी हो सकती है, क्वार्टर इलिप्टिक भी हो सकती है, ऑल ऑफ दिस अबव। बिल्कुल, वेरी गुड। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉर्शन बार, टॉर्शन बार को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लिया जाता है, कास्ट आयरन, ब्रिटल मेटल होता है, झटकों को सह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि अगर आप इसका लैथ मशीन का बेड बनाओगे तब वो शॉक वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन लोड नहीं आ रहा है, अलग अलग लोड आ सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड है, कास्ट आयरन का नहीं बनेगा बिकॉज इट इज कंप्रेशन, बिकॉज में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, हम किसको बनाएंगे, स्टील को बनाएंगे, हाई कार्बन स्टील को भी, हाई कार्बन स्टील और स्टील में देखिए दोनों में से अपने स्टील चूज कर। शेकल्स किसके तरह काम करते हैं, आज मैंने चार पांच बार इसको बोल दिया था कि शेकल आपके लीफ स्प्रिंग और फ्रेम के बीच में किस तरीके से कार्य करते हैं, कपलिंग की तरह कार्य करते हैं, कपलिंग तो दो शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए यूज में जाती है, लिंक की तरह कार्य करते हैं जो कि एक लिंक को दूसरे लिंक से कनेक्ट करता है, स्प्रिंग की तरह कार्य करते हैं जो कि शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये किसकी तरह कार्य करते हैं भैया, आपके लिंक की तरह कार्य करते हैं, आपकी जो लीफ स्प्रिंग होती है उसकी एक आई को दूसरी फ्रेम से कनेक्ट कर दे। स्प्रिंग शैकल्स आर यूज्ड टू जॉइन, ये शैकल पिन किसको जोड़ने के लिए यूज में ली जाती है, तो बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। शैकल पिन किसको जोड़ने के लिए यूज में,
आपके लीव स्प्रिंग को, चेसिस फ्रेम स्प्रिंग को, स्प्रिंग को एक्सेल के साथ, चेसिस फ्रेम को एक्सेल के साथ, तो चेसिस फ्रेम को स्प्रिंग के साथ जोड़ने के लिए ए, वेरी गुड। ड्राइव एक्सल, एक्सल क्या होते हैं? देखिए एक्सल के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सल ऐसे शाफ्ट होती है जिस पर व्हील या फिर गियर माउंट होते हैं, ठीक है, जिस पर व्हील या फिर गियर माउंट होते हैं, और इन्हीं एक्सल पर आपके व्हील का पूरा लोड आता है, और ये एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करता है। भैया कंटेंट डिफरेंशियल जरूर नहीं है, कुछ डेड एक्सल होते हैं जिनमें डिफरेंशियल नहीं होता, फ्रंट एक्सल रियर एक्सल ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रियर एक्सल फिल कहाँ जाएंगे, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंपली बीम्स की तरह कार्य करते हैं जो कि व्हीकल के वेट को सपोर्ट करते हैं, इनमें कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता। डेड एक्सल क्या होते हैं? डेड एक्सल जनरली रियर एक्सल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंटेंट डिफरेंशियल डिफरेंशियल जिसके पास होता है वो तो लाइव एक्सल होता है, का भी आंसर क्या हो जाएगा डेड एक्सेल का, बता सकता है कोई? एक सेकंड एक सेकंड, ये डेड एक्सेल नहीं, एक सेकंड यहाँ आपने गलती कर दी, लाइव एक्सेल ध्यान नहीं दिया आपने, डेड एक्सेल का क्वेश्चन देखा तब पता चला। लाइव एक्सेल क्या होते हैं? व्हील के वेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जनरली आपके फ्रंट एक्सेल हो सकते हैं और डिफरेंशियल इनमें होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा भाई, लाइव एक्सेल की बात हो रही है, हमने सीधा एक्सेल पढ़ लिया, आगे वाले दो वर्ड तो खा गए अपने, है ना। अब पूछ रहा है डेड एक्सेल, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये जनरली रियर ये वाला नहीं होगा, डेड एक्सेल का ए हो जाएगा, पीछे वाला लाइव एक्सेल का क्वेश्चन। फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ए टायर, टायर के करेक्ट स्पेसिफिकेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे आर, आर मतलब होता है रेडियल प्लाई, ये सबसे लास्ट में या फिर सबसे पहले नहीं लिखे जाते, ठीक है, और रेडियल के बाद 13 लिखा जा सकता है, 150/80 ये आपका ए हो जाएगा, ये 80 एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा, 150 विड्थ हो जाएगी एमएम में, 80 एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा, आर मतलब रेडियल प्लाई हो जाएगा, 13 मतलब डाया हो जाएगा इंच, ठीक है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कितने चैम्बर होते हैं? अभी हमने डायग्राम देखा था, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कितने चैम्बर रहते हैं? टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में रहते हैं, कैम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, या क्या नहीं है कैम एक्चुएटिंग वाला, हाँ डाया लास्ट में तो है सबका, डाया लास्ट में, डाया लास्ट में ही, 80 तो एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक आपके डबल पिस्टन होते हैं, पर डबल चैम्बर, इसमें डबल पिस्टन। स्टेबलाइजर स्विंग बार किस लिए यूज में ली, क्या होती है? स्टेबलाइजर
गाड़ी को रोल होने से बचाती है। चेक कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका हेलो स्टील बार चेक टू शॉक एब्जॉर्बर पैरेलल टू द क्रॉस। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट एक मिनट सही है तो वो तो सही लिख रहे। पहले आता है आपका विड्थ आता है, फिर आस्पेक्ट रेशियो आता है, आपकी कैसी प्लाई रेटिंग को आता है कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद रिम का डायमीटर आता है लास्ट में ठीक है। हो गया, ये सभी आपके क्या है डिपेंडेंट है। कॉइल स्प्रिंग कहाँ यूज में ली जाती है? कॉइल स्प्रिंग कैसे सस्पेंशन सिस्टम में यूज? फिशबोन में, ट्रेलिंग लिंक में, स्लाइडर पिलर में, सब में यूज में, डिपेंडेंट में, सब में कॉइल स्प्रिंग। अनस्प्रंग वेट क्या होता है? अनस्प्रंग वेट, वेट ऑफ द व्हील एंड एक्सल। स्प्रंग वेट क्या होता है? व्हील एक्सल गाड़ी के टोटल वेट में से अनस्प्रंग वेट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्प्रंग वेट मिल जाएगा। ऑप्शन ए। While in motion, vehicle suspension system is subjected to, vehicle suspension system में किस किस टाइप के आपके लोड आ सकते हैं? बताइए। Bouncing, all of the above. भी आ सकती, गाड़ी बाउंस भी हो सकती, पिचिंग भी हो सकती, रोलिंग भी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड पिच इज कॉल्ड एज। रोलिंग और पिचिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मतलब रोल पिच ऐसे, ये रोलिंग है, ये पिचिंग है, मतलब आगे भी जाएगी और रोल भी होगी, आगे भी जाएगी और रोल भी होगी। बोलते हैं डायगोनल। कैसे पता चला? यहां भी रोटेट करेगी या दोनों के अबाउट रोटेट करके? कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड पिच कॉल्ड एज। रोल और पिच, पिच तो ये तो एक दूसरे के खुद के परपेंडिकुलर है, तो ट्रांसवर्स कैसे आएगा?
एक दूसरे के खुद के ही परपेंडिकुलर। डायगोनल पे तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए और अपना गोल चूज कीजिएगा SSC GT एग्जाम। गोल चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, विशाल शर्मा सर और मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं प्रोफाइल ऑन फॉलो करने के बाद आपको सारी स्पेशल क्लास के नोट टाइम टू टाइम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो यू विल हैव टू यूज एन इनविटेशन कोड विशाल 11, जिससे कि आपको अनअकैडमी के में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर स्टेट AE और SSC कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूज रेफरल कोड विशाल 11, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन, और इस फीस को आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ये है अनअकैडमी का इनिशिएटिव जिसका इम्पोर्टेंट भी, तो सभी लर्नर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उनको किसी यूट्यूब चैनल पर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिले उसका इंफॉर्मेशन आप अनअकैडमी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कर दें। अगर उसका इन्फॉर्मेशन देने वाले पहले लर्नर होते हैं आप, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेगा गिफ्ट का नाम है रिपोर्ट, एंड फॉलो करके रखिएगा टू गेट क्लासेस नोटिफिकेशन, ओके। चलिए अब मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ बिफोर वॉचिंग दिस सेशन, गिविंग योर सो मच प्रीसियस टाइम एंड सपोर्ट, एंड ऑल PDF विल बी शेयर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, ओके। और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ इस चैनल का वो भी जरूर। बाय गाइस, टेक अ लव यू ऑल, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।